हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अभी सुबह का 6:30 हो गया और इनके लिए मैं किचन में ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, इडली और आलू दम। तो एक्चुअली बाहर चल रहा बारिश, तो सुबह सुबह उठ के मतलब किचन को थोड़ा सा क्लीन करके यहाँ पर बना लिया फटाफट से। और इनको स्कूल जाना है 7:30 बजे, तो मैं चाय पी रही हूँ और काम कर रही हूँ। चलिए फटाफट से आर्यन को तैयार कर देते हैं, उसके बाद बहुत सारे काम है। तो इडली के अंदर स्टफिंग, गुड़ और नारियल को थोड़ा सा एक स्टफिंग बना के इसके अंदर दिया। मिठाई आर्यन को पसंद है। तो मैं रेडी हो गई हूँ, 10:30 बज गया है। एक्चुअली बहुत सारे काम था, काम ख़त्म करके नहा के पूजा करके घर के अंदर सब कुछ कपड़ा सुखा के अभी मैं रेडी हो गई हूँ। फैक्ट्री जाऊँगी और हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट लेके जाऊँगी और फैन ऑफ करती हूँ। तो लंच के लिए थोड़ा बहुत काम करके जा रही हूँ। तो आज लंच में हम खाएँगे रोटी और एक करी। यहाँ पर रेडी पोटी को राइस दे दिया और थोड़ा सा रख के जा रही हूँ, आने के बाद दे दूँगी। और यहाँ पर आटा गूंथ कर रख के जा रही हूँ क्योंकि रोटी खाएंगे, बारिश चल रहा और सब्जी वगैरह घर में कुछ भी नहीं है। चलिए, हस्बैंड के पास टाइम नहीं है, ये हस्बैंड के लिए टिफ़िन लेके जा रही हूँ, मतलब ब्रेकफास्ट मैं लेके जाऊँगी, उसके बाद उन्होंने ब्रेकफास्ट करेंगे। तो एक्चुअली बारिश का मौसम में ना दिक्कत ये है कि कपड़ा कहाँ सुखाऊँ। एक्चुअली आर्यन का बेड यहाँ पर आज क्लीन कर दिया, ये जो सोफ़ा की जो कुशन है ये सब कवर वगैरह सब कुछ धो दिया, क्योंकि घर के अंदर सुखा दिया। धूप जब जिस दिन होगा थोड़ा सा धूप में दे देंगे। ये बेड की बेडशीट सब कुछ धो के साफ़ कर दिया, सिर्फ नया बेडशीट अलमीरा से निकल के लगाना है। शाम के टाइम में ये काम करूँगी। आर्यन तो अभी स्कूल गया है, आने के लिए 1:30 हो जाएगा। इसी बीच में मैं फैक्ट्री से काम ख़त्म करके घर में आ जाऊँगी। तो चलिए, तो एक्चुअली मेरा झोला कहाँ गया, झोला, ये मेरा झोला बैग। चलो रोटी बनाना है और इसको एक कढ़ाई को थोड़ा सा गर्म करूँगी, उसके बाद लंच करूँगी और लंच मेरे हस्बैंड के लिए लेके जाऊँगी। हस्बैंड का टाइम नहीं होगा खाने के लिए आने के लिए, तो मैं लेके जाऊँगी, वहाँ पर बैठ के खा लेंगे। चलिए फटाफट से रोटी बनाते हैं। आर्यन के लिए लंच थाली रेडी, सैलड में थोड़ा सा पुदीना पत्ता, नींबू, ग्रीन चिली, जीरा को पेस्ट करके इसके साथ मिक्स किए हूँ, बहुत टेस्टी लगता है। रोटी और केला और एक करी। तो आर्यन के लिए लंच रेडी, सिर्फ मैं खाऊंगी और मेरे हस्बैंड के लिए टिफिन बॉक्स में डालना है। घर में 3 पीस खाते हैं लेकिन मैं 4 पीस लेके जा रही हूँ। 1 पीस नहीं खाएंगे तो वहाँ पर एक कुत्ता है, उसको दे देंगे खाने। 2 केला ले लिया हूँ और बेचारा कुत्ता वहाँ पर खाने के लिए तरस रहा है। और ये छोटू सा टिफिन बॉक्स में सैलड लेना है। मुझे फैक्ट्री पहुँचने में 10 मिनट लगेगा और इसके अंदर ले लूँगी 1 कढ़ाई। फैक्ट्री से आने के बाद थोड़ा सा फ्रेश होके यहाँ पर सूखा मुरमुरा
और चाय पी रही हूँ। चाय जा बाबा सार। तो आर्यन का टीचर आ गए हैं और अभी मैं जा रही हूँ मेरे हस्बैंड के साथ थोड़ा सा मार्केट, क्योंकि सब्जी लाना है, फीस लाना है। और यहाँ पर आने के बाद बहुत सारे कपड़ा है धोना है मुझे। यहाँ पर कपड़ा है, यहाँ पर है, यहाँ पर नीचे, हाँ बंद, यहाँ पर नीचे है, बहुत सारे कपड़ा धोना है क्योंकि सुबह टाइम नहीं होगा, तो इसीलिए रात को धो के ड्राई करके रख दूँगी, तो कल सुबह धूप होगा तो बाहर सुखा दूँगी। मार्केट जाते हैं, चलिए क्या फीस लाऊँगी, चिंगड़ी मतलब प्रॉन फीस लाऊँगी, नहीं तो फिर हिलसा फीस लाऊँगी। चलिए अच्छा से राइस बना के खाएँगे। हाँ यहाँ पर ले रहे मेरा हस्बैंड आम, पका आम, उसके बाद घर जाएंगे। फीस लेना हो गया, सब्जी भी खरीद हो गया, सिर्फ आम लेंगे। फीस को अच्छा से धो लिया, ये रात को खाएंगे और ये कल होगा, तो ये इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी, टिफिन में, टिफिन बॉक्स के अंदर। और यहाँ पर आज रात को ज़्यादा कुछ नहीं खाएंगे, सिर्फ फिश फ्राई, और फिश को आलू के साथ पतला सा करी बनाऊंगी। एक्चुअली हिलसा फिश इतना टेस्टी है, सिर्फ हिलसा फ्राई और राइस खा सकते हैं, तो इसीलिए मैं क्या करूँगी, आर्यन सूखा राइस नहीं खा पाएगा, तो इसीलिए थोड़ा सा करी बना दूँगी और हम भी खा लेंगे। और इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी, देखिए बहुत, मतलब शाम के टाइम में ना यहाँ पर बहुत ताज़ा ताज़ा पीस मिलता है, बहुत ताज़ा ताज़ा पीस। तो ये देखिए, ये जो फिश के पेट के अंदर रहता है ना, ये भी मैं प्याज के साथ फ्राई करूँगी, ये मुझे बहुत पसंद है। अच्छा से साफ कर दिया, बहुत फ्रेश फिश, देखिए बहुत फ्रेश। तो दीघा यहाँ से 40 किलोमीटर, हम जहाँ पर रह रहे हैं जलेश्वर से 40 किलोमीटर। तो क्या होता है, शाम के टाइम में समुंदर की जो फिश बहुत ताज़ा ताज़ा मिलता है यहाँ पर, तो हम कभी कभी शाम के टाइम में जाके फिश लाते हैं। सिर्फ 3 पीस फ्राई की हूँ, कितना ऑयल निकला है देखिए, ये जो ऑयल ना राइस के साथ मिक्स करके खाने के लिए बहुत अच्छा लगता है। तो डिनर बहुत अच्छा से हो गया और आँखों में मेडिसिन भी दे दिया हूँ। और बाहर ज़्यादातर घूम रहे हैं ना, घूमने के बाद मेरा क्या होता है, आँख में बहुत खुजली होता है, तो मैं मेडिसिन देती हूँ, एलर्जी है आँखों में इसीलिए। और चलिए गाइस, ये लाइट
ऑफ नहीं होगा क्योंकि आर्यन पढ़ने के लिए बैठा है, काफ़ी लेट होगा उसका, तो मैं इस तरह सो जाती हूँ। चलिए बाय बाय, गुड नाइट, और चलिए बाय बाय, और कुछ नहीं कहूँगी, मुझे बहुत थकन लग रही है। चलिए।